हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको लेकर जा रही हूँ कैलिस्टो रेस्टोरेंट, और ये वीडियो खास तौर पर मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं बहरिया के अंदर के रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको कवर करूँ। कैलिस्टो रेस्टोरेंट जो है ये बहरिया टाउन फेज 7 में लोकेटेड है, और इनके हाईटी के दो ऑप्शंस हैं, एक तो बफे है और एक प्लेटर है इनका। आज हम विजिट करेंगे इनका बफे। तो जी, वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट डिटेल इनके मेन्यू की, इनकी प्राइसेस, इनकी टाइमिंग और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। इस तरह नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट्स हैं उनका भी रिव्यू लेके आऊं। तो फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल तो बहरिया में ऐसा सच नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि सेवर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बहुत ही रीज़नेबल भी है। तो वहाँ का भी रिव्यू जो है मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। अगर आप वहाँ का रिव्यू देखना चाहते हैं, उनका मेन्यू जो है वो कम्प्लीट देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खाने से पहले अगर हम बात करें इनकी बिल्डिंग की ओवरऑल, और जो इनका एम्बियंस है वो बहुत ही कमाल का था। जितना ये रेस्टोरेंट दिन के टाइम अच्छा लगता है, अगर देखा जाए तो रात को और भी ज़बरदस्त लगता है। अगर आप बहुत ही अच्छी सी इवनिंग स्पेंड करना चाह रहे हैं और कुछ रिलैक्स टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं तो ये जगह बहुत ही आइडियल है। इंडोर के अलावा आउटडोर भी बहुत ही मज़े का है। इसके अलावा इनका कुछ रूफटॉप एरिया है जिस पर के बैठ करके आप ओवरऑल पूरे बहरिया का व्यू देख सकते हैं। रात के टाइम तो वो हिस्सा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हमने चूंकि इवनिंग में यहाँ विज़िट किया है तो इसलिए आपको वो लुक तो नहीं नज़र आ सकती, लेकिन आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो बिल्डिंग है वो बहुत ही मज़े की लग रही है। अच्छा, आउटडोर एरिया इनका इतना मज़े का था कि यहाँ पर आप चाहें तो अपने छोटे मोटे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी एक बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही थी, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका वो जो हर्ट्स वाला हिस्सा है वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। मैंने वीडियो में आगे चल के उसके भी कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी तो मैंने बहुत ज़्यादा उसे इंक्लूड नहीं किया। फाइनली हम पहुंचे हैं इस एरिया में जहां पर इनका हाई टी बफे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये हॉल है इनका जहां पर इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सीटिंग अरेंजमेंट है। इसके अलावा आप साइड वॉल देखिए, पूरी ग्लास की है, और मैं इमेजिन कर रही थी कि रात के टाइम इसकी जो लाइट्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती होंगी। फ्रेंड्स, प्राइस डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, और अब देख लेते हैं इनका मेन्यू। और यहां से स्टार्ट करते हैं, ये रहा इनका सैलेड बार जिसमें रशियन सैलेड था। इसके अलावा पास्ता के साथ एक सैलेड इन्होंने बनाया हुआ था, चना चाट थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। रशियन सैलेड का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। ये मैक्रोनी सैलेड है, मैक्रोनी एंड चिकन सैलेड था बेसिकली, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ड्राई लगा। दही भले बहुत ही आउट क्लास थे। सॉस में अगर देखें तो रायता था, इसके अलावा ड्रैगन सॉस था, और यहाँ पर कुछ कोल्ड सैंडविचेस थे, और यहाँ पर ये हैं चिकन विंग्स। चिकन विंग्स इनके अच्छे बने थे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से स्वीट जो है वो ज़्यादा हो गए थे। पकौड़े जो थे इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी। स्प्रिंग रोल्स जो है इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, रीज़नेबली गुड था। और यहाँ पर देखिए तो चिकन के कबाब हैं, चिकन के कबाब काफ़ी अच्छे थे। चिकन बिरयानी थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, और इस सारे मेन्यू में मेरे और मेरे हस्बैंड की फेवरेट जो है वो तो चिकन बिरयानी रही। अब यहाँ पर फ्राइड चिकन इन्होंने इसे नाम दिया है, ये कुछ चिकन स्ट्राइप्स थी। इसका टेस्ट जो है वो ठीक था, कुछ खटास थोड़ी ज़्यादा ही थी इसमें। और ये किश के नाम से एक नई डिश थी यहाँ पर, ये बहुत ही मज़े की थी।
किश और जो मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं ये अल्टरनेटिव डेज पर जो है इसे सर्व करते हैं। एक दिन किश होती है इसी मेन्यू में और एक दिन मिनी पिज़्ज़ा। कॉन्टिनेंटल में देखा जाए तो चाउमीन था, फ्राइड राइस थे और ये चिली चिकन टाइप एक सॉस के साथ चिकन था। व्हाइट सॉस पास्ता है यहाँ पर, जो कि आपको पता है मेरा फेवरेट है, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में यहाँ पर थी ड्रैगन चिकन। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और अब आ रही है इनके डिज़र्ट बार की। तो डिज़र्ट बार में तीन तरह की पेस्ट्रीज थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं। इसके अलावा रेड वेलवेट था और एक पाइनएप्पल फ्लेवर में थी। इसके अलावा दो डिशेस थी, एक तो खीर थी और खीर के साथ ही इन्होंने ट्राइफल सर्व किया था। मिंट मार्गरेट इन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक के तौर पर सर्व किया था, जबकि इसी प्राइस टैग में चाय इंक्लूडेड थी। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अगर इनके चार्जेस की, तो इनके चार्जेस बफे के लिए 1799 थे और 5% इनके सर्विस चार्जेस थे। ये लोग टैक्स चार्ज नहीं करें, सर्विस चार्जेस ही जो है, यानी ओवरऑल प्राइस जो है इनकी 1799 है, और 5% अगर हम सर्विस चार्जेस ऐड कर लें तो ये बन जाता है 1890, जो कि इनकी टोटल कॉस्ट है, पर हेड चार्जेस हैं। इसके ऊपर इनके फर्दर कोई डिस्काउंट ऑफर्स भी नहीं थी, और ये लोग जो 5 ईयर्स से अबव है उसे फुल चार्ज करते हैं, और 5 ईयर्स से नीचे जो बच्चे हैं वही सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बाकी जो सारे एज के बच्चे हैं उन्हें ये फुल ही चार्ज करते हैं। जो इनके डेज हैं हाईटी के, ये डेली नहीं होती, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को इनका बफे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात की जाए इनके एम्बियंस की, तो वो बहुत ही कमाल का था। स्पेशली जो इनका आउटडोर एरिया है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त था। इसके अलावा इनकी सर्विस जो है वो भी अच्छी थी। यहाँ पर मुझे जो एक चीज़ थोड़ी सी लगी वो ये थी कि इनका जो प्राइस टैग है वो थोड़ा ज़्यादा था, जबकि जो इनका मेन्यू था वो थोड़ा लिमिटेड था। डिज़र्ट बार और सैलड बार जो है वो इनका काफ़ी लिमिटेड सा था। इसके अलावा अगर आप मेन कोर्स भी देखें तो उसमें सॉस की और नान की मुझे काफ़ी कमी महसूस हुई। तो फ्रेंड्स, आज का रिव्यू जो है वो ख़ास तौर पर बहरिया में रहने वालों के लिए था। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी जहाँ तक खाने के टेस्ट की मैं बात करती हूँ, तो हर शख्स का टेस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हो सकता है जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हो आपको शायद अच्छी ना लगे, या चीज़ आपको अच्छी लगे और मुझे वो उतनी अच्छी ना लगे, तो ये तो अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अपने लिहाज से जो भी बेस्ट आप लोगों के लिए ऑप्शंस होते हैं वो लाऊं और हर जगह की कंप्लीट डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पर मैं अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के डिमांड्स मैं साथ साथ नोट डाउन कर रही हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में मैं उन तमाम जगहों को विज़िट कर सकूँ जो आप लोगों ने रिकमेंड की हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में किसी और नई जगह के लिए अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।